हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिमाचली मुंडा विक्रांत में। तो आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो है शुगर प्लांट के ऊपर। शुगर प्लांट के बारे में मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा और मैक्सिमम लोगों के घर में ये प्लांट होता है, लगाया है लोगों ने और उसका यूज भी कर रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग इस प्लांट के बारे में नहीं जानते हैं और जानते भी हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शुगर प्लांट के ऊपर है। शुगर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन क्रिएट होता है उसकी मात्रा, उसका जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। बहुत से लोग एलोपैथिक दवाइयों का यूज करते हैं और कर रहे हैं जिनसे उनको फर्क नहीं पड़ता और एक मतलब कि एक लिमिट तक वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दवाई खाना बंद करते हैं तो उसके बाद से जो उनकी शुगर लेवल है वो फिर से हाई हो जाता है। तो उससे बचने के लिए गाइस सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो अपने घर में जो शुगर प्लांट है उसको लगाएं और उसका डेली यूज करें। एक तो वो आपको नेचुरल चीज है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी बॉडी पर। दूसरा, वो आपकी जो शुगर लेवल है, इंसुलिन जो आपकी बॉडी में होता है उसका लेवल को मेंटेन करता है और जो आपकी शुगर है वो कंट्रोल में आ जाती है। वो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइस कि इसका जो सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने घर पे हमने करके देखा है, क्योंकि मेरे जो मम्मी जी और पापा जी उनको दोनों को शुगर की प्रॉब्लम थी और मम्मी जी का तो बहुत पहले ही इस प्लांट के जो पत्ते खाते थे उनकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल हो गई थी, लेकिन पापा की शुगर जो थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके बाद जितनी भी दवाइयां खाते थे तब तक वो कंट्रोल में रहती थी, लेकिन जैसे दवाइयां खाना बंद कर देते थे या कुछ मीठा वगैरह खा लेते तो उनका शुगर लेवल एकदम से हाई हो जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने उनको शुगर के जो पत्ते होते हैं, शुगर प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनको देना स्टार्ट किया, उसके बाद उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में हो गया है। वो मतलब थोड़ा बहुत मीठा वगैरह खाते रहते हैं फिर भी उनका शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन है। तो मतलब जो साथ में तो जो उनकी जो एलोपैथी दवाई वो भी चल रही, लेकिन अब वो शुगर लेवल हाई नहीं होता, एक लेवल पे वो मेंटेन हो गया है। तो गाइज मैं यही आपको बता रहा हूँ कि शुगर का जो प्लांट है उसको आप सही से यूज करें और उसका मतलब एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जो पुराने से पुराने पेशेंट हैं वो भी इससे रिकवर होते हैं और आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है। तो मैं आज आपको वो शुगर का प्लांट दिखाऊंगा भी और उसके बारे में बताऊंगा भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं शुगर प्लांट को देखने की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बता दूं कि अगर आपको शुगर प्लांट का पौधा आपके घर में है तो उसका यूज कैसे करना है। तो वो आपको यूज ऐसे करना है कि उसके दो पत्ते सुबह खाली पेट आपको या तो चबाने हैं या पीस के उनको खाना है, चाहे पानी के साथ आप खा सकते हैं, और खाने के बाद आधा या एक घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना, लेकिन ये आपको डेली खाने हैं, भूखे पेट खाने हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। और आप देखोगे कि जो आपका शुगर है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा और कंट्रोल हो जाएगी आपकी शुगर, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अजमा के देखा हुआ है, ये कोई झूठी बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं होता, हाँ एलोपैथिक दवाइयां खाते रहते हैं, महंगी से महंगी दवाइयां लोग खा रहे हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा उनका साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर जरूर है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करना छोड़ें और जो नेचुरल चीजें हैं उनको अपने लाइफ में जरूर ट्राई करें, उनका सेवन करें और बीमारियों से छुटकारा पाएं। तो चलते हैं शुगर प्लांट की तरफ। तो देखिए और अपने घर में उसका पौधे को लगाइए, यूज करिए। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको अवेलेबल करा के दूंगा वो चीज। तो चलते हैं शुगर प्लांट का वीडियो देखने की तरफ, देखिए और इंजॉय करें।
दोस्तों, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ शुगर प्लांट, जिसका मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। तो ये देखिए आप, ये मैंने शुगर का प्लांट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है शुगर का प्लांट, काफी बड़ा हो गया है अब तो। ये देखिए, ये पूरा जो है ये शुगर का प्लांट है, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि इसका इफेक्ट होता है शुगर के पेशेंट के लिए। शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है इससे, अगर आप डेली इसका सेवन करते हैं तो। जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं, लगी होती हैं, या इंसुलिन का जो है टीका लगता है, वो छूट जाता है आपका। मैं नजदीक से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जो इसके पत्ते होते हैं, ये इसका पत्ता ऐसा होता है देखने में। ये पत्ता गाइस, आपको जो भी शुगर का पेशेंट है उसको भूखे पेट दो पत्ते सुबह चबाने होते हैं, हरे पत्ते, या तो उनको पीस के आप खा सकते हैं या ऐसे चबा सकते हो आप इनको। तो मतलब शुगर में आपको ये बहुत ही फायदा देता है। कई लोगों के घर में ये लगा होता है, कईयों को इसका पता नहीं है, और कई लोग खाना नहीं चाहते, वो दवाइयों के सहारे हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि इसको आप जरूर ट्राई करें, और रिजल्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। ये देख लीजिए आप नज़दीक से, मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसका जो पत्ता होता है ऐसा होता है, ये देखिए। बस ये जो पत्ते हैं, ये दो पत्ते सुबह आपको भूखे पेट चबा के खाने होते हैं, या तो उनको पीस के आप खा सकते हो, क्या चबा लो इनको, उसके आधा घंटा एक घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो गया है। अगर किसी को चाहिए होगा तो अवेलेबल हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस, ये था आज का जो मैं डिस्कस किया था कि शुगर का प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसा होता है और कितना बड़ा पेड़ होता है और इसका फायदा क्या है। तो आई थिंक आपको भी मतलब कि शुगर का पेशेंट आपको हर घर में मिल जाएगा, छोटे से लेके बड़े बुजुर्गों तक। तो ये ट्राई करें, और जो इंग्लिश मेडिसिन होते हैं उनको छोड़िए, और घर में फ्री का एक प्लांट लगाइए और इसका फायदा लीजिए। हाँ, तो गाइस ये था शुगर का प्लांट, और भी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किन्नू का पौधा है, संतरा जिसको किन्नू संतरा जो होते हैं, लगे हैं इसमें। और ये देखिए हल्दी की खेती, ये पपीते का पौधा, काफ़ी सारे पौधे लगाए, बाद में कभी आपको ये दिखाऊंगा। ये देखिए इतना सा पौधा है और इसमें कितने फ्रूटिंग हो रही है। तो गाइस, ये वीडियो मेरा शुगर प्लांट के लिए था मेनली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरह का और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।